हुआ? सच कहा तो मिर्ची लग गई क्या तुमको? एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तुम्हारा? इससे पहले कि मेरे हाथ से दूसरा थप्पड़ पड़ जाए, चुपचाप निकल जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ये क्या, तुम इस घटिया आदमी की बात को अपने दिल पर क्यों ले रही हो? ऐसी लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। इसे है नहीं है जय बाबू, गांव है गांव। यहाँ एक मुझे सौ तरह की बात करे थे लोग। आज एक आदमी बोले थे, कल पूरा गांव बोलेगा। किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? इसलिए कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। दोस्त, अगर तुम इन गांव वालों की बातें सुनते रहोगी ना, तो खुद को गलत साबित करती रहोगी। और हम जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको किसी को सफाई देने की जरूरत है। कह रही हो इसलिए मैं भी जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। घर से निकल कर तो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते, तो हम तुमको यहाँ से कभी जाने नहीं देते बेटा, कभी नहीं। बहुत बड़ा दर्द दे गया तुम्हारा लाडला। इतना दूर चला गया कि हम उसे कान पकड़ के वापस भी नहीं ला सकते। बेटा तो वो तुम्हारा था भाव, पर हमरे लिए वो बेटा से कम नहीं था। जो तुम पर गुजर रहा है वो भी हम पर भी गुजर रहा है। रिश्ते का फर्क है, वो लड़की खा गई हमरे लाडले को, बुझा दिया हमरे घर का चिराग। हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, ये बात का बिल्कुल चिंता मत करो। दुनिया का कोई ताकत हमको तुमसे अलग नहीं कर सकती। दोस्त, हम कब गए? हम गए ही कब थे दोस्त? कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें आपको अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा। हम यही घर के बाहर ही थे, आपको हमारा यहां आना अच्छा नहीं लगा शायद, इसलिए आप हमें अंदर नहीं बुला रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन आपके ही आने से हमको नहीं बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।
आपको हमरा चिंता है, ये बात हम बहुत ही अच्छे से जानत हैं, लेकिन अब हमरा दुख तो पूरी जिंदगी हमरे साथ रहेगा। आप कब तक हमरा साथ देंगे? जो दुख हमें मिला है ना, उसके लिए हम तुम्हारे भैया को कभी माफ नहीं करेंगे। हमको अकेला छोड़ के चले गए, ये भी नहीं सोचे कि हम किसके सहारे जिएंगे, कहाँ जाएंगे। रात भर हम यही सोचते रहे, फिर तय किए कि हम जिएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि हम अकेले जी सकते हैं। वो ना रहे तो क्या हुआ, उनके नाम के साथ ही जिएंगे। और वो कहीं से देख रहे हैं, ये बात समझ ले। आपको हमने लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को संभाल लेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर अपने आप को संभालने की ताकत आए। जिस घर को तुम छोड़कर आई हो, उसमें तो तुम अब कभी वापस नहीं जा सकती, और फिर कभी ना कभी इस घर को भी छोड़ना होगा। तब क्या होगा दोस्त, तब तुम कहाँ जाओगे? अपनी चिंता मत करिए, हम जहाँ से आए थे वहाँ ही चले जाएंगे, अपने माँ बाबू जी के पास, जहाँ से जिंदगी शुरू किए थे वही खत्म करेंगे। नहीं दोस्त, जिंदगी खत्म करने की बात मत सोचो, बल्कि हिम्मत के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम्हारा अपने बाबूजी के पास चले जाना ही ठीक होगा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आप पर इतना सब कुछ बीत गया और कोई आपसे मिलने नहीं आया। वहां पर तो सब कुछ ठीक है ना? हम जानते हैं कि काहे नहीं आए वो लोग, हमरे माँ बाबूजी नहीं चाहते कि उनका परछाई भी हम पर पड़े। उनको तो मालूम भी नहीं है कि हमें इतना तकलीफ है, नहीं तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, हम उन्हें तुम्हारे पास लेकर आएंगे। संभालिए अपने आप को। हमसे आप दोनों का ये दुख देखा नहीं जा, आप लोग अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं, संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। सब कहते हैं गंगा में अस्थि विसर्जन करने से इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन हमरे शांति का खा बड़ा दुख देखकर चला गया थे, इससे मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? बता बेटा, बता सकता है? हमरे लिए भी तो सबसे बड़ा दुख हुआ है दादी बुआ, हमरा लाडला तेज हमको अकेला छोड़कर चला। अरे ये क्या कह रहे हो? अपने महा बाबूजी और दादी बुआ का अब एक ही तो सहारा है, अगर आप ही टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? बहू सही कह रहा है, अब तुम लोग के सिवा में हमरा है ही कौन? वही तो दादी बुआ, लेकिन दुनिया का काम करने का तरीका इतना अजीब है, कहाँ बताएं आप? विपत्ति के समय में दुनियादारी देखना
बहुत बड़ा तकलीफ होता, इधर दुख का पहाड़ टूटा पड़ा, उधर कोर्ट कचहरी का तारीख। अरे हमसे नहीं होगा अभी सब, अगर हम चले भी जाते हैं बाबूजी के जगह पर, हमारे पास तो अधिकार भी नहीं है ना। ऐसे वक्त में हम आपसे कैसे कहें कि कागज पत्थर पे आप सही कर दीजिए, जिसे हमें अधिकार मिल जाए। अरे नहीं नहीं वो हमसे नहीं होगा। लेकिन बेटा जमीन जायदाद का काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कहाँ करोगे? दिल पे पत्थर रख के ही सही, ये जिम्मेदारी तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। लाओ कागज दे दो, हम दस्तखत कर देते। यहाँ भी दादी, हम आश्रम होकर आएंगे, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा। चल पाओ। कौन हमें रोक सकता है? मालिक बनने से। थप्पड़ का निशान आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन पिट्टो रानी हम तुम्हारा इज्जत पे ऐसा निशान लगाएंगे जो जिंदगी भर नहीं जाएगा, और वो समय बहुत जल्दी आएगा। तुमसे भी हमरा खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ ना किसना, छीन लिया हमरे तेज को हमसे। अरे अगर इतना ही बड़ा दुख देना था तो पहले सुख काहे दिया? आज तक हम जो भी तुमसे मांगे वो सुनी के खातिर मांगे, और जो भी खुशी तुम हमें दिए ओके बदले इन्हें ही छीन लिए। आज सिर्फ हमरा और तेज का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, तुमरा और हमरा भी रिश्ता खत्म हो गया है। तुम हमरे भगवान नहीं, वो देवता नहीं जिनके सामने हम हर सुख दुख में हाथ जोड़ खड़े रहे।
खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ ना किसने? छीन लिया हमरे तेज को हमसे? अरे अगर इतना ही बड़ा दुख देना था तो पहले सुख का ही दिया। आज तक हम जो भी तुमसे मांगे बस उन्हीं के खातिर मांगे, और जो भी खुशी तुम हमें दिए ओके बदले ही नहीं छीन लिए। सिर्फ हमरा और तेज का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, तुमरा और हमरा भी रिश्ता खत्म हो गया है। तुम हमरे भगवान वो देवता नहीं जिनके सामने हम हर सुख दुख में हाथ जोड़कर खड़े रहे। तुम अकेली हो, मैं अकेला हूं और ये दरवाजा भी बंद, और तुम हमसे पूछ रही हो कि दरवाजा काहे बंद किया? आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ नहीं तो। अरे नहीं तो क्या करोगी, शोर मचाओगी, चिल्लाओ और चिल्लाओ। यहाँ कोई तुमको सुनने वाला नहीं है, चिल्लाओ चिल्लाओ ना। अरे इतनी जल्दी कहा है विक्टर रानी, अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है। निशान दिख रहा है ना हमरा गाल पे जो तुमने बनाया है? माई कसम निशान का मिटने के पहले हम तुम्हारा जिंदगी का ऊपर ऐसा दाग लगाएंगे, ऐसा दाग लगाएंगे, तब तुमका समझ में आएगा कि हमरे गाल पे निशान बनाकर तुमने कितना बड़ा गलती किया है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम ससुर लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। अरे मुंह मीठा करो प्रभु की भक्तिन, आज से तुम इस घर की महारानी बन गई। ये पेपर देख रही हो, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। इसका मतलब ई जिसके पास होता है वो मालिक होता है। अब देखो कैसे सारी जायदाद हम अपने नाम पर करते हैं। अभी जायदाद अपना नाम पर हुआ नहीं, जब आ जाए तो उत्पात मचाइए ना। अरे काहे को ढिंडोरा पीट कर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं भैया? तो आ गया आपको घर की याद। या माँ और बाबूजी का है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चलो शुक्र है
बाबूजी का याद तो आया। आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी? अरे तो क्या कहे, अरे एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों का अर्थी विसर्जित करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि तेज देवर जी का रिश्ता केवल भिट्टो रानी के साथ था? उसी को जरूरत है का आपके कांधों की? भाभी 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 जय का भाभी है? कुछ गलत बोल रही है का वो? यहाँ पूरा घर तेज के जाने के दुख में दुखी है। तुम्हें किसी बात का चिंता है? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि दादी बुआ और माँ को कितना बुरा लगा है तुम्हारे व्यवहार से? जिसका पति उसे छोड़कर चला गया, उसे इस घर से निकालकर बेघर करके उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा है आपको? नहीं ना, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज इस परिवार के लोगों में है ही नहीं। और जहां पर इंसानियत ना हो उस घर में रहना मेरे लिए पाप जैसा है। हमारा हाथ पे काट के भाग रही थी ना, अब कहे रुक गई? भागो भागो, हमको जाने दो जनार्दन बाबू, हमको जाने दो। इनके गुजर जाने के बाद तो हम एक जिंदा लाश की तरह जी रहे, हम पर दया कीजिए, हमें जाने दीजिए। बहुत अजीब बात है बिट्टो रानी, अरे तुम हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अरे हम तो पहले ही तुमको सहारा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उतेज बीच में आ गया और तुमको उठा के ले गया। अब देखो ना, अब तो तेज नहीं रहा, एक मौका हमको भी मिलना चाहिए। क्यों बिट्टो रानी, कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना आप? एक मौका हमको भी दे दो। चला बिट्टो के माँ बाप के बारे में? चला गया पूरा का पूरा परिवार ससुरा गांव छोड़ के। गांव छोड़कर चला गया मतलब? अब का बताएं जय बाबू, बिट्टो की बड़की बहन थी रज्जो, बहुत तेज थी, बिल्कुल फ्रंटियर मेल की तरह, मिसिर बाबा के लड़के से प्यार करती थी। उसके मरने के बाद पगला गई बेचारी, और जब होश आया तो और ज्यादा ही पगला गई। ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि त्रिलोक अब इस दुनिया में नहीं रहा, और विधवा होकर के सुहागन की जिंदगी जीना चाहती थी। तो वो क्या जाए बाबू, ये गांव समाज ऐसे धर्म को कहां सहता है। पहले उसके बाप को धमकी दी गई, फिर गांव छोड़कर जाने पे मजबूर किया, अपनी बेटी की जान बचाने के चक्कर में गांव छोड़कर चला गया। तो क्या कुछ और पता चला कि वो लोग यहाँ से कहाँ गए? कैसे पता चले जाए बाबू, रातों रात हरिलाल अपनी बेटी और औरत को लेकर के पता नहीं कहाँ चला। दोस्तों इसी भरोसे में है कि वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन उसके माँ बाप का तो कुछ पता ही नहीं। क्या करूं मैं, कैसे बताऊं ये बात दोस्त को, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। थप्पड़ मारे, हमें माफ कर दीजिए। बहुत अच्छे,
ये तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया तुमने। हाँ, एक गलती की और माफी मांग ली, अब हमका भी एक गलती कर फिर हम भी माफी मांग लेंगे, हिसाब बराबर, ठीक है ना? एक बार हम मर गए तो ये सारे झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना? वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ वहीं पर। अब हम तो आएंगे आगे, आपको जो करना है ना कर लो, आप हमको मारना चाहते हैं मार डालिए। हम भी तो देखे कि बिट्टू रानी के हाथ से मौत कितनी हसीन होती है। तुमको ना ही मारेंगे, पर अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया अरे क्या कर रही हो? अरे नस कट जाएगी, चाकू हटाओ। अरे हम तुमको मारना नहीं चाहते हैं, चाकू हटाओ। अरे बस करो, हम जा रहे हैं, ये हाथ ऊपर है, हम कुछ नहीं करेंगे तुमको। हाँ हम जा रहे हैं, हाँ कुछ मत करना, हाँ जा रहे हैं हम, हाँ ये देखो जा रहे हैं हम, हाथ देखो हमारा। अगर तुम यहाँ की बिलैया हो तो हम भी यहाँ के शेर है, हमसे बच पाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। पर तो ठीक है, और इन कागजात के हिसाब से गोदावरी देवी यानी आपकी अपनी दादी बुआ इस सारी जायदाद के पक्ष में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार आपको मिलता है, लेकिन आपको और क्या चाहिए? बुआ जी की सारी जायदाद पे केवल निर्णय लेने का अधिकार नहीं, पूरी जायदाद अपने नाम पे करवाना चाहता हूं। तो ज्यादा मत सोचिए, अगर सोचना हो तो ये सोचो कि ये काम कैसे हो सकता है। और रही तुम्हारी फीस की बात, इस काम के बदले आपको आपके फीस के साथ साथ इनाम भी दिया जाएगा। एक बात ध्यान में रहे, ये काम दादी बुआ और बाबूजी के वापस आने से पहले हो जाना चाहिए, और इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं पड़नी चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, कोई जाली दस्तखत थोड़ी ना है, बुआ जी के खुद के किए हुए दस्तखत। ये तो ठीक है
कि साइन आपकी दादी बुआ के, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो वकील? अभी तो तुमने कहा था ना, दादी बुआ के जायदाद से संबंधित कोई भी निर्णय हम ले सकते हैं, तो ये जायदाद हम अपने नाम पर क्यों नहीं करवा सकते? ये संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये जायदाद तेज प्रताप सिंह के नाम हो चुकी है। लेकिन तेज तो इस दुनिया में ही नहीं। यही तो समस्या है। अब क्या समस्या है? तेज प्रताप सिंह के गुजर जाने के बाद ये जायदाद अपने आप उनकी पत्नी बिट्टो के नाम हो जाती है, और अब इस जायदाद पर केवल उनकी पत्नी बिट्टो का अधिकार है। बिट्टो, हमसे बच के कहां जाओगी तुम है? मतलब दोस्त कहीं गई होगी, लेकिन कहां गई हो? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भगवान, हे